हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा हूं। मैं कंसल्टेंट कार्डियक इंटरवेंशन एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हूं, मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एंड उसके प्रोसीजर की बात करने जा रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट मिट्रल रिगर्जिटेशन। वी नो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन का इंसिडेंस बढ़ता है, और एल्डरली पॉपुलेशन या सबसेट में इसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस अराउंड 10% हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन, जो मिट्रल वाल्व की लीकेज है, बढ़ती है ग्रेड 1 to grade 4, वैसे वैसे मॉर्टिलिटी, हार्ट फेल्योर एंड रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है। दिस डेटा इज़ वेरी क्लियर नाउडेज। पर एक ऐसा सबसेट या पॉपुलेशन होता है जिसमें हार्ट के डायलिटेशन की वजह से वाल्व की लीकेज बढ़ती चली जाती है, और ये जब एल्डरली सबसेट हो, जहाँ की ऑपरेशन फिजिबल ना हो, वैसे केस में ये मॉर्टिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन, सारे इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। और अगर हम इसको इंटरवीन ना करें तो आगे चल के ये पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे सबसेट में जहाँ की इंस्पाइट ऑफ द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इन मिट्रल रिगर्जिटेशन, तो वैसे में आप एक स्मॉल प्रोसीजर से, एक वेरी मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर से पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, पेशेंट के सिम्टम्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। नाउडेज इट्स वेरी कॉमन कि आप एक माइट्राक्लिप डिवाइस या प्रोसीजर आप करते हैं, और ऐसे पेशेंट जो कि सर्जरी के लिए सुटेबल नहीं हों, वाल्व लीकेज सिग्निफिकेंट है और पेशेंट बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा हो, या सांस फूल रही हो, या प्रोग्रेसिव हार्ट फेल्योर में हो, तो आप एक प्रोसीजर से ये बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। कोऑप्ट ट्रायल के डेटा ने, जो मिट्रल रिगर्जिटेशन के पर्सपेक्टिव से किया गया था, उसने ये दिखाया कि अगर हम एक स्मॉल होल सर्जरी करते हैं और एक क्लिप अप्लाई कर देते हैं, जस्ट मिट्रल वाल्व, जो वाल्व लीफलेट है, दोनों को अपोज कर देते हैं बाय सिमिलर टेक्निक जो कि हम सर्जरी में करते हैं, जिसको एल्फियारी टेक्निक बोलते हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ द मिट्रल वाल्व, तो इससे मिट्रल वाल्व कम हो, मिट्रल वाल्व की एरिया कम हो जाती है और लीकेज भी सब्सिक्वेंटली कम हो जाता है। और इस ट्रायल ने बताया कि अगर हम इस प्रोसीजर को करें तो इस सबसेट में जो मॉर्टिलिटी रिस्क है, ओवरऑल मॉर्टिलिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर मॉर्टिलिटी, ये दोनों 1/3 से कम हो जाती है। हार्ट फेल्योर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 40-50% से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस रिसर्च ने, इस ट्रायल ने ये बताया कि यह एक बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें कि आप ग्रोइन से जाते हैं और हार्ट के अंदर जाकर के थ्रू अ कैथेटर, थ्रू अ मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, मिट्रल वाल्व को रिपेयर कर देते हैं, और इस ढंग से पेशेंट की मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी को इम्प्रूव कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। थैंक यू।